विशाल, मेरा दिल घबरा रहा है। आखिर मेरा हसन ऐसे सब कैसे कर सकता है? वो उसे राबता क्यों नहीं हो रहा? वो कहाँ गायब है? अम्मी, अगर मामला सिर्फ हसन भाई के लापता होने का होता तो और बात थी, लेकिन उन्होंने तो खुद राशिद अंकल को फोन करके कहा है कि वो गुड़िया से शादी नहीं करना चाहते। अच्छे खासी शादी वाले घर को मातम कदा बना दिया है। और मैं तो लोगों के सवालों के जवाब देते के थक गई। विशाल, तुमने हसन के दोस्तों को फोन करके पूछा है ना? अम्मी, मैंने सबको फोन किया है, किसी को नहीं पता वो कहाँ है। मामू और ताया अबू भी उनको ढूंढने के लिए गए हैं। आरिफ भाई यहाँ होते तो उनको ढूंढ लाते ना। अरे नहीं नहीं नहीं, आरिफ को कुछ नहीं बताना। परदेश में बैठा है, क्या कर लेगा वो? परेशान ही होगा ना, कितना खुश था वो। हसन की शादी का सुख उसे क्या पता, क्या पता कि सब बर्बाद हो गई। विशाल, मेरा दिल खोल रहा, बहुत बेचैनी हो रही है मुझे। कोई ना कोई बात जरूर, हसन तो बहुत ज्यादा था मुझे। या अल्लाह, मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा? अम्मी, आप प्लीज अल्लाह पे भरोसा रखें, मिल जाएंगे हसन भाई। मामू और ताया अबू गए हैं ना ढूंढने, डॉक्टर ने आपको टेंशन लेने से मना किया हुआ है। देखिए, इस वक्त अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो मैं क्या करूंगी? प्लीज खुद को संभालें। पता नहीं कहाँ होगा वो। हेलो जी, उन्हीं का घर है जी? बोले। अम्मी, 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 विशाल, अम्मी, अम्मी, क्यों रो रही हो तुम? अम्मी, वो किसका फोन है? अम्मी, अम्मी, मैं पूछ रही हूँ किसका फोन?